जैसे बताएंगे वैसे आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा चलिए, तो आपको क्या लग रहा है, अभी हमने बहुत सारी चीजें क्रिएट की हुई हैं, बहुत सारे ऑडियोज वीडियो जारी किए हैं, अब आई टॉकिंग टू मिस्टर रोमेश खोसला। इसमें मैंने बनाया था कुछ, तो या तो शाम को आज रख लेते हैं, ठीक है ठीक है, आज मैं आपको शाम को कंफर्म कर दूंगा, 7 या 8 बजे के आसपास जो भी आपका डिनर टाइम है उसके बाद रख लेंगे, 1 घंटा 8:30 पर रख लेते हैं। 8:30 पे, हाँ उस टाइम पे रख लीजिए। और जो मतलब चीजों को, मेरा जो प्लान है वो है कि जो भी हो वो सिस्टमाइज हो, डिस्कशन से आगे बढ़ के हम उसको ग्राउंड पे कुछ दिखना चाहिए वो। आपने जो, मैं मिस्टर एस कुमार गुप्ता जो कि सेक्रेटरी हैं हमारे प्रेसिडेंशियल ऑफिस के, उनकी वार्तालाप सुनी है अभी मैंने आपसे शेयर की हुई है? नहीं अभी नहीं सुनी, चलिए अच्छा, तो उसको सुनिए। उसमें उसी मैं एक्शन सुन लेता उसमें हूँ। उसी एक्शन प्लान के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो आप मुझे एक बार से वो उसको अभी भेजा है आपने क्या राइट नाउ? आप जो है ना, आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्या अभी तक? नहीं किया, मैंने किया है, इनफैक्ट मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब्सक्राइब होने के बावजूद मुझे नहीं आते उसके मैसेज नहीं आ रहे, क्यों, ये तो आना चाहिए, पता नहीं। वो तो अभी मैंने YouTube। उसको, फिर मैंने जब खोला तो मैंने उसको अनसब्सक्राइब किया तो हाँ वो दिखा रहा था कि सब्सक्राइब, तो हाँ हाँ अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब किया, हाँ लेकिन वो ऐसा कुछ मेरे पास मैसेज आता नहीं है उसका। नहीं, लेकिन ये तो YouTube का वो होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल होना डिस्प्ले। चाहिए, वो तो आप मुझे उनको भी, आप उनको रिमूव मैं करो सोच प्लीज रहा था हमें। कि सब्सक्राइब होने के बाद जो भी डेली, अभी जैसे मैंने, लेट्स से मैं यूट्यूब खोलता हूँ, हाँ यूट्यूब खोल के जैसे मैं क्राइम फ्री भारत पे जाता हूँ हाँ तो वो मुझे लाइव चीजें नहीं दिखाता है। मतलब लाइव का मतलब है जैसे आज की कल की, एक एक वीडियो दिखाया कि नहीं ये आज का है, बाकी वीडियो 1 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है, मतलब ऐसा नहीं है सीक्वेंस में कि उसको खोलो तो उस पर सारी चीजें मिले, तो कुछ है मतलब इस तरह का ना इशू है ये। हाँ इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, स्मार्टर वे, आप इसको गूगल पर सर्च करो मेरे नाम को, वो सभी वीडियो को अच्छा एक साथ दिखा दे रहा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। है। लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि और अपने मित्रों से भी कराओ, क्योंकि देखिए जैसे अज्यूम करिए कि अभी उसकी संख्या लगभग 5,000 से थोड़ा सा कम है, राइट? यदि वो 5 लाख हो जाएगी तो यू विल फील साइकोलॉजिकली एम्बोल्डन कि इतने लोगों का सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल। तो आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सपोर्ट तो दिखा सके। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो है ना, फालतू की चीजों को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास समय है। जो देश का जो है ना भविष्य बदलने की बात कर रहा है, वो भी अपने दम पे है, उसको सुनने के लिए, अच्छी चीज को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये तो विडंबना है। नहीं, इस ये विडंबना के साथ 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 स्वभाव है और हमारे ओछे चरित्र का परिचायक है, इसे हमें बदलना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, जो आदमी डिक्लेयर कर रहा है कि 300 से ज्यादा अफेयर्स और इतने सारे ड्रग्स, ड्रग्स में भी सब तरह के एडिक्ट होने के बाद मैं फिर उठ खड़ा हुआ, उसकी मूवी पूरे साल की सबसे बड़ी हिट रही, जो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा चरित्रहीन इंसान हूं, खुद डिक्लेयर कर रहा है चिल्ला चिल्ला के कि कहीं मेरे से ऐसा गंदा इंसान कोई नहीं है, नहीं तो क्या ये कहीं, और उसको देखने जा रहे हैं, उसको देख देख के लोगों ने उसको और रिच बना दिया, तो वो मोटिवेट कर रहे हैं और बाकियों को भी कि मतलब देखिए, वो नहीं कहते जो मूवी में डायलॉग सुनते हैं लोग कि मतलब महानता उसमें नहीं, महान बनने में महानता है कि मैं गिर जाऊं और फिर खड़ा हो जाऊं, मतलब गंदे काम करो फिर अच्छा बन के दिखाओ, वो महानता है। और हम बड़े हुए ऐसे डायलॉग सुन के कि हम लाइन में नहीं लगते, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो आपने वही एक बिल्कुल एटीट्यूड है, वो बदलना पड़ेगा, उसी इन्हीं कोशिशों से वो बदला जाएगा। और ऐसा नहीं है, आप एक चीज देख लीजिए, जागृति आ रही है, बहुत आ रही है जागृति जो पहले नहीं थी। मुझे लग रहा है कि दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्मिक डिजायर। कॉस्मिक फोर्सेस अपने आप जो है ना जुड़ जाएंगी, और कुछ लोग जो दिखावे वाले लोग हैं वो साइड लाइन हो जाएंगे।
क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो है ही नहीं जो वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आजकल सब कुछ है ही सीआर का। हाँ आप कितने भी बुरे इंसान हैं, आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं, आपने एक पीआर एजेंसी रखी और आप सुपर हिट हो गए। भाई आप देखो जो नेहरू हैं, वो अगर आप पूरी तरह से पूरे हिस्ट्री को पढ़ोगे सारा कुछ, तो आज के टाइम पे लिटरेचर से ऐसा लगेगा कि हम जो सांस ले रहे हैं वो भी नेहरू की देन है। मतलब जिसका योगदान देश में मतलब नेगेटिव है, मैं कहता हूं वो जीरो भी नहीं है, वो नेगेटिव है। जिसने जो यहाँ पे आजाद होने के बावजूद हमें आजाद नहीं होने दिया, उस व्यक्ति को ऐसे दिखाया गया कि ये अगर सांस भी ले रहे हो तो नेहरू के कारण ले रहे हो। जिसने क्या एम्स अंग्रेजियत बनाया नेहरू ने, देश बनाया, डैम बनाया नेहरू। अरे क्या बेवकूफी भरी बातें करते हो। सरकारें थोड़ी ना प्रोग्रेस करती है, जनता प्रोग्रेस करती है। सरकार का काम है एटमोसफेयर देना। तो बड़ा ही, और ये तो आप देखो ये सब ना भगवान की अपनी लीला है जो आप कह रहे हैं कॉस्मिक, ये लेके चलो। कारण ये कि अगर फेसबुक और व्हाट्सएप ना आता, जबकि ये हमारे समाज को दूषित भी कर रहे हैं, अगर ये नहीं आता तो मैं कहता हूं आज भी जो जागृति आई है ना देश में वो नहीं आती। बड़ा एक अच्छा सा कमेंट आया था कल कि पहले वक्त था लोग बुरा काम करते थे और पत्रकार उसको खोज के जनता के सामने सच लेके आता था। आज वो वक्त है कि पत्रकार घटिया काम करते हैं और जनता उस सच को ढूंढ के सामने लेके आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पत्रकार तो तो दलाल बन गया है ना, वो तो पैसे के लिए काम कर रहा है, उसकी तो कलम बिकी हुई है, वो खुद पूरी ब्लैकमेलिंग कर रहा व्यवस्था, है। आप उसमें पैसा डालो। आप एक बात बताइए, मैं खुद अपना मैं बताता हूँ, जब छोटे छोटे हम थे तो अगर कोई रिश्तेदार जान पहचान का बुरा आदमी होता था कि अरे नहीं, हम नहीं जानते जी उसको, मतलब अरे नहीं होगा कोई, कोई बता भी दे कि अरे दूर का हमारा कोई संबंध नहीं है उससे। आज के समय में अगर गैंगस्टर को आप जानते हैं, कहता भाई ये तो मेरा यार है, हम तो साथ बैठ के पीते हैं। कोई दुनिया का सबसे गंदा इंसान है, कह रहा भाई वो, क्योंकि वो उसके पास पावर है और पैसा है। तो आप बड़े मतलब इज्जत के साथ डिक्लेयर कर देते हो कि अरे नहीं, ये तो हमारा बिल्कुल क्लोज है। तो ये चारित्रिक पतन है जो हो चुका है, और इसको ऐसा नहीं है, मूल रूप से तो हर इंसान अच्छा ही होता है अंदर से। तो ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे, अब जैसे रोज हम देखते हैं सुनते हैं, वो ठीक है कि आदमी नकारात्मक गलत चीजों को उठाता है, लेकिन जाग रहे। अब आप सोचो आपकी इन चीजों को सुनने के लिए आपने जो भी किया, 4-5 हजार आपके पास आदमी है, वो 4-5 हजार और भी मतलब इनमें आप लेके चलो कम से कम कई लाख आदमी होंगे जिन्होंने सुना होगा उसी चेन से, ठीक है। तो उनको कुछ तो मैसेज जाता है ना, बिल्कुल कान सही। में जो ध्वनि आपकी जा रही है कि सही करो सही करो सही करो, तो उसका 1% तो इफेक्ट हो ही रहा है ना कहीं पे। पक्का हो रहा और है। आपके पास साधन, यही साधन है, ये यूट्यूब और ये जो जो गलत चीज फैला रहे हैं वही साधन आपका भी है। रोड तो एक ही है ना, उसी रोड पे लुटेरा भी चलता है और उसी रोड पे वो भी चलता है जो सबको उठा के अपने मतलब जो गंतव्य है वहां तक पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल सही ये जो कहा। चीजें हैं हमारे समाज में, हमारा काम सिर्फ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। आप सकारात्मकता को प्रमोट कर सकते हैं और करते रहो करते रहो कर, जब तक सांसें हैं करते रहो। जितना आपसे बने आप कर रहे हैं, मेरे से बने मैं नहीं, करूँ। मेरा मेरा थोड़ा सा ऐसे हटके सोचना है। सकारात्मक को वो करो, सकारात्मक लोगों को जोड़ो, और उसे ज्ञान की बजाय जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके पब्लिक को पहुंचा नहीं दो। मैं अग्री हूं उससे, देखिए मैं अग्री अच्छा हूं। ये बताइए, देखिए मैं आप जो है ना इंजीनियर हैं, आपने पहले कैसा कैसा सीखा है? आपने सीखा है कि सेल्स की फोरकास्ट करते हैं, राइट? एक ट्रेंड बनाते हैं, उससे आप कहते हैं कि सेल्स ऐसी होगी, राइट? आजकल के बिल्कुल। इनोवेशन जमाने में ऐसा नहीं होता है। आजकल इनोवेशन जमाने में बिल्कुल डिफरेंट सोच होती है। वो कहता है आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट इज हैविंग अब दिस इसकी फीचर, जरूरत राइट? नहीं है, दिस जरूरत क्रिएट करो दिस इसकी। प्रोडक्ट इज हैविंग दिस फीचर, इट विल फुलफिल योर दिस नीड, यू नीड इट, कैप्चर इट। तो जीरो से मालूम पा के ओवरनाइट आपके 10 मिलियन जो है ना प्रोडक्ट बिक गए।
ये आपका जो पुराना स्टैटिस्टिकल मॉडल है उससे प्रिडिक्ट हो पाएगा क्या? कभी नहीं प्रिडिक्ट हो पाएगा। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो व्हाट आई इंटेंड टू से कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्रिएट करें विथ इंटेंडेड इनपुट एंड इंटेंडेड आउटपुट, एंड एंड टू एंड सॉल्यूशन क्रिएट करें और पब्लिक से कहेंगे भाई ये दिस इज द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, इट विल बी चेंजिंग योर फेस एंड फेथ, और जहां कहीं संभव हो उसकी ना दिमागी शक्ति लगे ना फिजिकल शक्ति लगे। तो जिनकी दिमागी और बिल्कुल फिजिकल शक्ति लगना है उनको तैयार करिए, स्किल डेवलपमेंट करिए, उनको टेक्नोलॉजी दीजिए, उनको टूल्स दीजिए, उनको मशीन दीजिए और उस जगह पर पहुंचा दीजिए, सामने वाले को सिर्फ मलाई खाने दीजिए। ये इट इज समथिंग लाइक समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में जो है ना जहर भी बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। तो ये नए वर्तमान समुद्र मंथन में जहर जो है वो कॉस्ट के रूप में निकल रहा है और करेंसी के रूप में निकल रहा है, राइट? ये दोनों चीजें अबंडेंस को स्केरसिटी में कन्वर्ट कर रही हैं। आज का जहर ये दो चीजें ही हैं, राइट? यदि हम बिल्कुल इसको ओवर पावर करने की स्थिति में आ गए, जो मुझे लग रहा है कि सीएफबी कुड जनरेट इस ओन स्ट्रेटेजी कि कॉस्ट पर और करेंसी पर कैसे विजय पाए, और यदि हम कॉस्ट एंड करेंसी पे विजय पा गए और सभी को स्किल डेवलपमेंट कर दिया और आपके प्रकृति में कोई चीज भी खराब नहीं है, एक हर चीज ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साइकिल को रीइन्फोर्स कर रही है, उसमें वैल्यू बिल्कुल ऐड कर रही है। तो उसको बिल्कुल गंदगी में तो हमने कन्वर्ट किया, समस्या में तो हमने कन्वर्ट किया। आप जितनी समस्याएं बिल्कुल हैं वो सभी रिसोर्सेस हैं। इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ यू नीड द डिफरेंट आई, आपको अलग नजरिए चाहिए उस समस्या को समाधान में कन्वर्ट करने के, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे जो आपका प्लास्टिक जिसको आप बड़ी समस्या कह रहे हैं, इसके लिए हम कैप्चरिंग और कलेक्शन का सिस्टम डेवलप कर दें तो इट विल बिकम ए ग्रेट रिसोर्स। बिल्कुल ठीक जो चीज जो पैदा कर रहा है उसकी लाइफ टाइम उसकी गारंटी रखो, वो चीज कलेक्ट होकर उसके पास पहुंचे, जो आपने चीजें उसमें खराब हो गई हैं उसमें एक ऐसा सिस्टम रखो कि उससे सबसे छोटा से छोटा पार्ट रिप्लेस हो, राइट? उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ना बाहर के आउटर कवर से आए, एक छोटे से पार्ट से जो है ना, जैसे मान लो आप बियरिंग है तो बियरिंग की आउटर केस अलग होना चाहिए, एक छोटी सी इनर लेयर पे जाके वो जाके फिट हो गया, राइट? अब मान लो बियरिंग घिस गई है तो आउटर केस तो बर्बाद नहीं हुआ है ना, हमारा एक हम उसको आउटर केस को यूज करें और जो इनर बियरिंग है उसका छोटा सा पार्ट उसमें वो कर दें और उसका रॉ मटेरियल को मेल्ट करके रीयूज कर लें, उसमें जो है ना क्रोमियम और ढेर सारी चीजें डाल के रादर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें। अभी जो है हम एंड टू एंड सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए हमने अपनी सोच को बांध दिया है। हमारी सोच जब जो है ना ग्राउंड पे उतरेगी तो सॉल्यूशंस का भंडार लग जाएगा, समस्याएं कम पड़ जाएंगी। जो वर्क फ्रॉम है ना, इसमें आपकी जो सोच है हाँ वो कंपनियां चाहती हैं कि वो सोच उनके कंट्रोल में है और वो उन्हीं से चले, कि वो बोले कि अरे मुझे खरीदना है तो मैं खरीदू। कंपनियां खुद हमारी ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर बनेंगी, कंपनियों का खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि यदि बिल्कुल उन्हें सरवाइव करना है, यदि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, यदि उन्हें स्किल मैन पावर चाहिए, उन्हें यदि सीएफबी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, उन्हें सीएफबी के कंज्यूमर चाहिए, जब पूरी दुनिया सीएफबी की कंज्यूमर होगी तो ये कंपनियां जो है ना हम कंपनी के पास जाएंगे या कंपनी हमारे पास आएंगे? बिल्कुल ये जो है अमेजन के पास नहीं जाएंगे, ये सीएफबी के पास जाएंगे, क्योंकि सीएफबी के पास सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस होगा। आज वो आपको जरूरी भारत को महान क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है और उस मार्केट पे किसकी पकड़ होगी? सीएफबी की पकड़ होगी। जी। वो तो सबसे बड़ा कौन होगा फिर? आपकी कंपनियां हैं या आप हैं? बिल्कुल फैक्ट है। तो इतना फैक्ट, इतनी सारी चीजें हैं तो उसे जमीन में उतारने में दिक्कत केवल इतनी है कि लाइक माइंडेड लोगों को लें और कल से उनको काम पे लगा दिया जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रिसोर्सेस इतने ज्यादा हैं कि दे विल बी इन अबंडेंस। अब जैसे अज्यूम करिए, व्हाट इज योर क्रेडिट लिमिट? नॉर्मल मतलब हमारी क्रेडिट लिमिट यस, आपकी कंपनी की क्रेडिट लिमिट वो 10-15 लाख रुपए रहती है दस पंद्रह नॉर्मल। लाख है। यदि आप चाहें तो इसे आसानी से करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 15 लाख से ज्यादा की जरूरत नहीं, इसलिए आपने नहीं कन्वर्ट की। अब यदि मान लो सीएफबी आपसे कहती है कि आप अपनी इसके अपर क्रेडिट लिमिट तक ले जाओ उसको, खींचो, राइट? बल्कि सीएफबी अपनी क्रेडिट लिमिट क्रिएट कर दे, क्योंकि जो हम रिसोर्स पॉइंट जो है ना, जो एसेट पॉइंट कह रहे हैं, उस एसेट पॉइंट के अंगे सीधे बैंक से जाके जो है ना अपनी क्रेडिट लिमिट बनवा सकते हैं।
बिल्कुल कि वी आर हैविंग दिस मच रिसोर्स विद अस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो धन धन तो धन का खत्म हो गया ना, लोग कहते पैसा कहां से आएगा, पैसा कितना आएगा, हम तो कह रहे हैं कि पैसा इतना ज्यादा होगा कि वी विल बिकम द बिगेस्ट R&D हब इन द वर्ल्ड। भाई जिसके पास प्रकृति के सभी रिसोर्सेस हों उसके पास रिसोर्स की कमी कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। हम जो खा रहे हैं और जो बाहर निकाल रहे हैं वो भी रिसोर्स है। हाँ, हर चीज रिसोर्स है। Somebody was telling, I don't know whether it is scientifically correct or not, कल ही कोई उससे मिलने आया था, he was saying कि human excreta creates 3 times more methane than methane created by the cow dung or anything else. नहीं ये तो फैक्ट है। अच्छा is it a scientific fact? हाँ scientific है। अच्छा इसके फिर मुझे जरा पेपर दो कुछ यार। हाँ इवन आपको नहीं मालूम होगा चाइना के अंदर ना वो पब्लिक जो यूरिनल्स हैं उनसे चॉकलेट बनती है और वो सबसे महंगी चॉकलेट है वहां की। वाओ, इसके ऊपर लिटरेचर निकालो फिर, क्योंकि क्योंकि जो चीज जिसको ऑलरेडी दुनिया में कहीं कोई भी व्यक्ति कहीं रिसोर्स में कन्वर्ट कर सका है और इट इज ए बेटर रिसोर्स फॉर द पर्सन, देन व्हाई वी शुड लैग बिहाइंड। आप देखो आपके यहाँ पे जो सीवेज का पानी निकल रहा है दैट इज ए वेरी बिग लाइबिलिटी, राइट? नहीं, बिगेस्ट रिसोर्स फॉर्मूला नहीं, कोई चीज समझनी हो तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रकृति से जनरेट हुई कोई भी चीज, कोई भी का मतलब कुछ भी, जैसे हमारा शरीर है, पौधे हैं, हवा है, पानी है, उससे जो भी वेस्ट क्रिएट होता है वो अपने आप में एक दूसरी एनर्जी है, दूसरी एनर्जी है एंड इट इज यूजेबल एंड इट इज ए बिग रिसोर्स, इट इज ये साइकिल का हिस्सा है। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ आती है कि जो केमिकल्स जो चीजें हमने प्राकृतिक रूप से प्रोड्यूस किए हैं उनको प्रकृति तो उनको भी साइकिल है प्रकृति, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ी मेहनत और समय ज्यादा लगता है। नहीं, मेरा ये कहना है उनको विलोपित ही उनको विलोपित ही कर दिया जाए ना, जो नेचुरल एरोमेटिक चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, आप एंजाइम का यूज करिए, आप हार्पिक का यूज क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए तो हम जो है ना खेतों से केमिकल गायब करते हैं, अपने दिनचर्या से केमिकल गायब करते हैं, हमारे जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो एरोमेटिक और जो अरोमा, जो सुगंध, जो नेचुरल हेल्थ स्किन की हम नेचुरल चीजों से पा सकते हैं, वही आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड चीजें कभी पैदा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तो जो है ना सेलिब्रिटीज का नंगा नाच है कि साले अपने पैसे के लिए कुछ भी झूठ का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। हाँ वो शिक्षित समाज है ना, तो उसको कैसे भी, वो एक नाच के हीरोइन आती है, एक हीरो आता है और कुछ भी कहता है, फिर उधर ही चले जाते हैं। और आप देखो जो फॉलोअर्स है ना वो उनके इतने, किसी के इतने करोड़ फॉलोअर, इसके इतने करोड़, कोई पूछे वो उससे क्या ज्ञान ले रहे हैं, उसे फॉलो कर क्यों कर रहा है, तो उसके पास बस ऐसी छिछोरी बातें करता है। ये तो जो है ना विभत्सता ला रहा है समाज में। देखिए अब हमारी क्या जो है ना, देखिए इसको क्रिएटिविटी कैसे कह सकते हैं, आप अपने कपड़े फाड़ने को क्रिएटिविटी कह सकते हैं क्या? मुझे तो ये दिमाग का ओछापन और हो रही है आज, ये क्रिएटिविटी बन रही है फटे हुए कपड़े। मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो फटे हुए कपड़ा आपका फैशन कैसे हो सकता है, मतलब ये हमारी सामने वाला जो है ना इस विचित्रता को क्रिएट कर पा रहा है और हम इस विचित्रता को स्वीकार कर पा रहे हैं। वाह, तो मतलब रूप से अब आप ये बताइए ना कि सामने वाला कहता है कि हमारी क्रिएटिविटी, क्या क्रिएटिविटी है कि चिपका लो तेरा फोटो जो है ना फेविकॉल से? अरे ये तो मानसिक विचित्रता है। देखिए पहले जो है हीरोइन हीरो आपस में देखते थे और उससे एक लव का एहसास हो जाता था, राइट? बिल्कुल। आज ये भाग लक्ष्मी में जिस तरीके से जो है ऋषि और वो आपस में लक्ष्मी देखते हैं उसमें जितना लव एंड अफेक्शन क्रिएट होता है वो साला मुंह से मुंह लगा के नेपे नहीं होता है। वो तो फैक्ट है। तो हमारे संस्कृति में तो देखिए कितना अच्छे ढंग से रामचरितमानस में ये वर्णन है कि राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सवई सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। मतलब ये उस समय का समय है।
वो तो जब भगवान राम की बातें होती हैं हाँ तो इंसान अपने आप ही, लेकिन वो इंसान ही तो भाव विभोर होते हैं, जिनको जिनको नहीं है समझ, जिनके अंदर भाव नहीं है, जिन्हें भाव किसी और चीज से आता है, उन्हें तो पता ही नहीं है, वो चीज जनरेट ही नहीं हुई। नहीं तो वो सेंसिटिविटी जब नहीं आई जब है। राम कथा होती है ना, जब राम कथा होती है, हाँ। लोग मतलब भावना रोते हैं बुरी तरह से, रोते हैं, बिल्कुल रोते हैं, बिल्कुल रोते हैं। आई एग्री विथ यू। मतलब वो फीलिंग्स, क्योंकि वहां समर्पण है, त्याग है, सेवा है, कुछ भी अपने लिए नहीं है, सब हाँ। कुछ दूसरे के लिए है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही यही जो ग्रेटनेस है, यही भारतीयता है, यही हमारी पहचान है। और जब लेकिन उस पहचान को मिटाने के लिए दुनिया भर के एफर्ट हो रहे हैं, और वो ठीक है, वक्त की बात है, अभी सफल हो रहे हैं, कल को विफल भी हो जाएंगे। 200% विफल होंगे, हाँ, होंगे होंगे, बिल्कुल 200% विफल होंगे। हमें होंगे। हमें इस बात पे पूरी तरह से विश्वास है कि ये काम हम 2 साल में ही हासिल कर लेंगे। सर कोशिश करना हमारा काम है, फल देना सब भगवान के हाथ में, वो नहीं करेंगे। नहीं 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 असफलता सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि सफलता के नहीं, लिए पर्याप्त। असफलता, असफलता तो असफल तो वो होते हैं ना जो उस चीज के मतलब असफलता होने की सोचें, और असफलता कुछ होता नहीं है मेरी समझ में, तो सिर्फ सफलता के कुछ चरण होते हैं, वो असफलता नहीं है वो। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। हाँ, मैं ये नहीं बच्चे समझता, जीवन में कभी कुछ असफल होता ही नहीं है, आपने एफर्ट किए वो एफर्ट हो गए। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जब जो है ना एडिसन जो है ना बल्ब इन्वेंट किया तो इट वाज आई थिंक थाउजेंड्स अटेम्प्ट आल्सो, राइट? हाँ, सो एडिसन कुड लर्न दैट देयर आर द 999 जो है ना वेज व्हिच विल नॉट बी सक्सेसफुल, दैट इज आल्सो ए लर्निंग। बिल्कुल 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 सर, हाउ यू लुक एट इट। यही फर्क है, यही फर्क है नकारात्मक और सकारात्मक होने में, यही फर्क है। चलिए हम लोग तो मिलके जो कोई नहीं है सर, पूरी एनर्जी के शाम साथ को, मिलते ठीक हैं और रात को 8:30 बजे बात करते हैं। है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद सर, जय मातरम। भारत, वंदे मातरम।